पुरी के शंकराचार्य जी महाराज इस बात का हमेशा विरोध कर रहे हैं कि ये जो पाँच एकड़ जमीन दिया गया है मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए ये कल को उत्तर प्रदेश में एक नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है वो कह रहे हैं और आप क्या देखते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का जो ये टकराव है वो पुनः एक नया रूप लेगा क्योंकि आ, ये दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है पैगम्बर साहब के नाम पर बन रहा है फिर उसको कोई हिला नहीं सकता चारों पिलर जो बन रहे हैं वो खलीफाओं के नाम पर बन रहे हैं तो ये क्या आगे भविष्य में टकराहट ये समाप्त हो गई है या टकराट और बढ़ेगी नहीं यही तो हमारा कहना है ये कह रहे हैं ना कि हम शंकराचार्यों का क्या योगदान है इनका योगदान यही है अच्छा इन्होंने भीड़ इकट्ठी किया सड़क पर आंदोलन किया कोर्ट में तो गए नहीं सड़क पे आंदोलन किया तो भीड़ इकट्ठी हो गई अब भीड़ चाहती है कि कुछ काम बताइए तो इन्होंने बता दिया कि ये है अब उन्होंने जाकर भीड़ ने तोड़ दिया तोड़ने के कारण हमारा मंदिर मस्जिद सिद्ध हो गया और इसी बात को लोगों के जहन में बैठ गई इतनी बात कि हम मंदिर के प्रमाण देते रहे पैंतीस प्रमाण हम लोगों ने दिए था कि ये ये इमारत जो है भवन ये ढांचा ये मंदिर है लेकिन क्योंकि भवन ही गिरा दिया गया तो क्या पता चले तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चूँकि यद्यपि युवराम जी की जन्मभूमि थी लेकिन बलपूर्वक गिरा करके उसको मुस्लिम लोगों के साथ अन्याय किया गया इसलिए हम पांच एकड़ जमीन दे रहे हैं बताइए उसके तो, हाँ, माने ये इनके द्वारा जो कार्य किया गया उसके फलस्वरूप है योगदान पूछ रहे हैं ना कि शंकराचार्यों का क्या योगदान है शंकराचार्य का योगदान है कि मूल जगह मिली और इनका योगदान क्या है कि उनको पांच एकड़ मिल गया यही तो है यही। तो ऐसे होश नहीं गवाना चाहिए पांच एकड़ जमीन मिल गई और पूरी के शंकराचार्य जी महाराज बिल्कुल सही चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो भविष्य दृष्टा हैं निश्चित रूप से कोई ना कोई संकेत उनको हो रहा है जिसके कारण वो इस बात बारे में चेता रहे हैं और हमारे देश के लोगों को इस बारे में चेतना चाहिए और मुस्लिमों को भी चेतना चाहिए कि एक विवाद समाप्त हो गया है वहाँ पर बहुत बड़ा निर्माण करके और बहुत कुछ भव्यता करके वो मस्जिद कम बनाएंगे और मोर्चा ज़्यादा बनाएंगे तो जो विचारवान मुस्लिम हैं उनको भी इस बारे में अभी से सतर्कता बरतनी चाहिए अन्यथा ये जो कह रहे हैं वो सही है